वहां से मैं भीगता हुआ आया हूँ और यहाँ आकर देखा तो यहाँ तो बारिश ही नहीं है। तो आज के इस व्लॉग में हमें काफी चीजें कवर करनी है। पहली होगी जंगल सफारी, दूसरा उसके बाद चलेंगे जू, हमारी थर्ड डेस्टिनेशन होगी बोटिंग। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइज। आज मैं घूमने निकला हूँ नंदन वन जंगल सफारी नया रायपुर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है हमें। तो वैसे रिव्यूज़ में देख के आया हूँ तो काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। एंड देखते हैं पीछे मेरे सीन देखिए, पहले काफ़ी अच्छी लोकेशन है। नया रायपुर अभी डेवलप हो रहा है और काफ़ी अच्छी सिटी, वेल प्लान्ड सिटी बन रही है, उसी के अंदर ये नंदन वन जंगल सफारी है। तो यहाँ आज हम घूमने आए हैं, तो देखते रहिए इस ब्लॉग को और लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। बाकी चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या क्या मिलता है आगे। और यहाँ पीछे मेरे है वेटिंग रूम, यहाँ पे मुझे वेट करना होगा जब तक मेरा नंबर नहीं आता। उसके बाद देखते हैं नंबर कितनी देर में आता है, उसके बाद चलते हैं अपने सफ़रनामे पर, जंगल सफारी नया रायपुर। जंगल सफारी इज़ कम्प्लीटेड। अब जाते हैं सफारी ज़ू की तरफ। पीछे मेरे है सफारी ज़ू और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से एनिमल नज़र आते हैं। बाकी आपको अगर आना है तो सुबह के टाइम आइएगा, क्योंकि दोपहर के टाइम सारे जानवर सुस्त रहते हैं, सोने का टाइम होता है, तो आपको नहीं नज़र आएंगे। तो मॉर्निंग में कोशिश करना आने की। बाकी अभी चलते हैं, दिखाते हैं आपको कौन कौन से जानवर हैं यहाँ पर। सो गाइज, जंगल सफारी तो हमारा कंप्लीट हुआ, तो अब मैं आया हूँ यहाँ पर जू में। और जंगल सफारी में क्या हुआ कि टाइमिंग मेरी सही नहीं थी, दोपहर के टाइम आया तो लायन एंड टाइगर सो रहे थे। बट फिलहाल अभी जू में हूँ। जू में मेरे पीछे जस्ट पीछे की साइड है वाइट टाइगर, बंगाल वाइट टाइगर, तो आपको उसके क्लिप दिखाता हूँ। सो मॉर्निंग में यू कैन सी ऑल द एनिमल्स, दोपहर के टाइम आपको नहीं नज़र आएंगे। तो ये रहा एकदम क्लोजअप, इससे ज़्यादा करीब नहीं जा सकते। और यहाँ इस जगह मेरे पीछे हैं नीलगाय, तो मेल फीमेल दोनों ही हैं इसमें। और इनको नीलगाय इसलिए बोला जाता है क्योंकि मेल जो होता है इस प्रजाति में हल्का सा ब्लूइश होता है और फीमेल जो है ब्राउनिश होती है, तो नीलगाय। तो नीलगाय तो वैसे भी लोगों को अपने गांव में भी मिल जाती होगी, मेरे गाँव में तो घूमती रहती हैं एटलीस्ट। सो दीज आर बार्किंग डियर, देखो मेरी तरफ देख रहा है, ये दोनों मेरी तरफ देख रहे हैं। कोई नया ही बंदा नजर आ गया इनको। अभी अभी जो हमने देखे वो थे बार्किंग डियर, और बार्क तो उन्होंने किया नहीं,
बट अच्छे थे एटलीस्ट, बहुत करीब से नजर आए। नीचे अपने जो बाउंड्री के पास नाला बना रखा था वो वहाँ पर पानी भी नहीं आए थे, और लकी रहे हम जो दिखाई दे गए। तो चलो आगे और देखते हैं और क्या है। बाकी मौसम आज भी कुछ अजीब सा ही है, कभी बारिश कभी धूप। इस टाइम ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। ब्लैक बग के केज के पास है पीछे ब्लैक बग, और दिख रहे हैं एटलीस्ट। चलो दिखाता हूँ। और ये हुआ हमारा जंगल सफारी एंड जू का सफर ख़त्म। यहाँ पर है एग्जिट, पीछे मैं टर्टल एग्जिट देख कर आया हूँ, और हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो अभी सीज़न ठीक नहीं है, टाइम ठीक नहीं है यहाँ आने के लिए, बट हाँ केजेस बहुत सारे हैं। तो आगे अगर आप कभी 6 महीने या साल भर बाद आते हो तो या श्योर बहुत एनिमल मिलेंगे यहाँ पर आपको देखने के लिए। बट कोशिश यही करना मॉर्निंग में आओ ताकि सारे एनिमल्स आपको एक्टिव नज़र आएँ। तो इस टाइम अगर घड़ियाल के केजेस में भी मैं गया तो वहाँ पर वो भी नहीं था, तो अंडर वाटर होगा या फिर कहीं सो रहा होगा। तो दोस्तों जंगल सफारी और सफारी जू का सफ़र तो हमने पूरा किया, और अब टाइम आ गया है थोड़ा बोटिंग करने का। बोटिंग भी हुई हमारी कंप्लीट, हमने जंगल सफारी घूमा और जू गए और उसके बाद बोटिंग कंप्लीट करी अपनी। नाउ इट्स टाइम टू गो होम। तो व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, घर जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, भूख लग रही है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलना यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। सो अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।